हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.8 चैप्टर 1 का है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, कहता है टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए दिया हुआ है, क्यू बी दिया हुआ है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। देखो अगर आप देखो ये चीज़ इस तरीके से दिया हुआ है, ये है क्यू ए चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर है मान लो क्यू बी चार्ज। क्यू बी चार्ज की वैल्यू है -3 माइक्रो कूलम और क्यू ए जो चार्ज है हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो है +3 माइक्रो कूलम और जो इनका डिस्टेंस है आपस में वो है 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, ए पार्ट में क्या कह रहा है आपको, वो कहता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ। मिड पॉइंट ओ मतलब ये वाला मिड पॉइंट हो गया, इनके बीच का मिड पॉइंट ओ ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो मिड में आपको बताना है इसके कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका ये है जो कि हमने टॉपिक किया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, याद है कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट द सेंटर, एट द सेंटर का याद है कुछ ऐसा ही था कुछ, डाइपोल ही है ये, एक +3 है एक -3 है, याद है कुछ। उसमें जो फॉर्मूला बना था ना वो ये बना था, ई इज इक्वल टू में था आपके पास के क्यू ओवर में आर स्क्वायर और यहाँ 2 था, मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ था 2 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गई और इनटू में ये क्यू है यहाँ पर और आर की जगह वहाँ था एल। एल क्यों था वहाँ पर बताओ, क्योंकि ये पूरा आर लिया था हमने और इनका मिड का ये डिस्टेंस एल ले लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आर भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आर मान लेंगे, ये फॉर्मूला था। तो या तो डायरेक्ट ये लगा दो, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके मिड में जो ये एल की वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी ये कितनी है 10 सेंटीमीटर की है या नहीं है बताओ, सिंपल सी बात है या नहीं है बता दो, समझ में आ रही है कहानी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो जब हमने यहाँ पर डाइपोल के केस किए थे तो ये जो डिस्टेंस था इनका जिसको मैंने आर कहा वो हम क्या लेते थे वहाँ पर 2L लेते थे, है ना, 2L डिस्टेंस होता था डाइपोल के बीच में जो होता था हमारे पास, तो भी साथ इसका हाफ L होगा, तो इस तरीके से हमने किया था, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना कि L क्यों आया। तो बस या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2 इंटू में क्यू कितना है 3 माइक्रो कूलम, ऑब्वियस बात है क्यू का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू में 10 की पावर -6 और ऑब्वियस बात है अगर डाइपोल का केस है तो दोनों चार्जेस सेम होंगे, सिर्फ इनका नेचर अलग अलग होगा। ठीक है ना, तभी तो डाइपोल बोले, तो 2 इंटू में 3 × 10^-6 माइक्रो की वजह से हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपके पास 9 × 10^-9। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले को देख लो आप 2KQ/R² से, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू 9 × 10^-9 रखी है, R R क्या है यहाँ पर बताओ, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज, या फिर L मान लो, L ये वाला, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 10 × 10^-2 मीटर। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है ना, 10/100 करेंगे तो मीटर में बन जाएगा, तो ये 10^2 है, 100 ऊपर जाके 10^-2 कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो जरा, 6 × 6 = 54 इंटू में 10^-6 और +9 3 हो गया और ये नीचे 10^ कितना हो गया आपके पास -1, तो ये आ गया आपके पास 54 इंटू में 10^-1 ऊपर जाके +1, तो ये 10^ कितना बन जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, 54 × 10^4, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो क्या था ये फॉर्मूला, हमारे पास स्क्वायर भी था डिस्टेंस का, है ना, अगर यहाँ पर हम देखें तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा ऐसे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ स्क्वायर चलेगा इस तरीके से, तो ये 10^ कितना बन जाएगा -2, है ना, -2 ऊपर जाके कितना बन जाएगा +2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5, समझ गए ना क्या कहानी हुई है, यहाँ पर 10^1 और -2, तो -1 आया, -1 है और स्क्वायर भी है, तो 10^-1 उसका स्क्वायर, तो ये 10^-2 बनेगा। अब ये 10^-2 यहाँ नीचे आया है ना, तो ये ऊपर जाके +2 बनेगा, तो 10^5 बन गया और आपको पता है ये ऐसे तो लिखते नहीं है हम। ठीक है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, जहाँ पॉइंट कहीं पर नहीं होता तो समझ लो यहाँ पॉइंट होता है, तो हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, तो एक पॉइंट हम लेफ्ट लेकर जब भी जाते हैं तो ये 10^ किस में जाता है प्लस में, कितना लेके गए लेफ्ट में 1, तो 10^+1 क्लियर, और 10^5 तो है ही, तो ये 5.4 इंटू में 10^6 आ गया आपके पास और यूनिट बता दो जल्दी से इसके क्या होते हैं आपके पास, न्यूटन पर कूलम होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखो डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, देखो यहाँ पर मान लो कोई चार्ज टेस्ट चार्ज को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 3+ वाला प्लस को क्या करेगा इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इधर ई ए और ये -3 इस वाले को क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये ई बी, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी साइड बनेगी, तो ये अलोंग क्या आ जाएगा हमारे पास ओ बी आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी डायरेक्शन अलोंग ओ बी। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या था इनको सोल्व करने का, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने कहा और करके, ये क्यू ए चार्ज है 3 माइक्रो कूलम का और क्यू बी चार्ज है हमारे पास -3 माइक्रो कूलम का, सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बतानी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमने किस तरीके से कंसीडर किया कि इस पॉइंट पे हमें बताना है, तो ये वाली जो दूरी है इसको मैंने आर मान लिया और इस वाली को भी आर मान लिया। ठीक है, तो टोटल 20 थी, तो इसके बिल्कुल मिड में है, तो ये कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर का और ये भी कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर का। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही सेम रहेगी जो कि हमने यहाँ बनाई थी, ई ए भी इधर जाएगा, ई बी भी इधर जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगा। ठीक है, क्लियर।
अब देखो ई ए निकालना है, ई ए किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। फॉर्मूला आपको पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है अगर इस फॉर्मूले से हम चलें तो, ठीक है। और ई बी देखो यहाँ पर क्यू कितना है इस केस में, 3 माइक्रो कूलम यानी कि 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। और ई बी के जब हम केस में चल रहे हैं तो यहाँ पर भी ये आर जो था हमारे पास ई ए के केस में भी सेम है और ई बी के केस में भी सेम है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ सारी वैल्यू सेम है जो यहाँ है वही यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये तो सेम ही हो गया, तो यानी कि ई ए इज इक्वल टू में ई बी है, ठीक है, जिसको मैंने ई बोल दिया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो है देखो कैसे, इस साइड ही है तो दोनों डायरेक्शन जो है आपकी इसी के लूँगा ई ए और ई बी, ठीक है, तो ई ए प्लस ई बी बनेगा। और यहाँ आप क्या कर सकते हो, इनको ई रख सकते हो, तो कितना बन गया ये 2E, ठीक है। और ई सिंपली आप के क्यू बाई आर स्क्वायर रख सकते हो, क्लियर, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम यही कहानी आ जाएगी, 2 इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर 9 और क्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और आर कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यही सेम कहानी है यहाँ जो ये लिखा हुआ है, तो वैल्यू यहाँ से भी सेम आ जाएगी आपकी जो ये निकाली है हमने। तो ये था डायरेक्ट डाइपोल वाला केस, एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये 2KQ/r² वाला, r इसमें ये है, और या फिर आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व कर लो यहाँ पर, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे सेम डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर दो, वहाँ से भी यही कहानी बनेगी, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो जरा इसमें जो बी पार्ट में कह रहा है आपको वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में देखो जरा यहाँ पर क्या कहता है, कहता है इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज यहाँ बोल रहा है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है टेस्ट चार्ज तो कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इस प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, अब देखो जरा यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जैसे ये था आपके पास है ना, ये मिड पॉइंट ओ था, ये क्यू ए था और ये यहाँ पर क्यू बी था, यहाँ पर इस पे मिड पॉइंट पर इसने एक माइनस का कौन सा टेस्ट चार्ज रखा है, 1.5 × 10⁻⁹ का रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें फोर्स बताओ, ठीक है, फोर्स आपसे पूछ रहा है, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे बताओ जरा, बताओ इस पॉइंट पे अगर हमें फोर्स निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आपके पास, पता है कुछ बताओ, देखो मैं बताता हूँ आपको, पहली तो इतनी बात समझो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव जो चार्ज होता है ना वो उसके अपोजिट चलता है, पहले तो ये बात समझनी होगी आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा चलता है, पॉजिटिव चार्ज चलता है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ओबियस होता है पॉजिटिव की तरफ जाएगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, तो ये हमें डायरेक्शन तो पता चल गई कि अलोंग ओ ए ही चलेगा, ठीक है, ये जो चार्ज चलेगा। अब इसके जो फोर्स है वो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्यू इंटू ई से, बिकॉज ई इज इक्वल टू में एफ बाई क्यू नॉट होता है ना, और यहाँ से एफ इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा क्यू नॉट ई, और क्यू नॉट कितना हमारा टेस्ट चार्ज है और मैग्नीट्यूड रखते हैं सिर्फ 1.5 × 10⁻⁹, ठीक है, और अगर माइनस भी लगाओगे तो माइनस यहाँ फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लग रही है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है, 5.4 × 10⁻⁶, तो बस इसे सोल्व कर लो। अब ये थोड़ा किचपिच हो रहा है इसकी वजह से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब 1.5 और 5.4 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो जरा, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25 और 2 = 27 और ये 54 आ जाएगा, तो 0 और यहाँ 11 और ये 8 और 2 हैं इधर, एक इधर, दो हो गए टोटल, तो यहाँ भी पॉइंट ऐसे लगेगा दो छोड़ के, तो 8.10 × 10⁻³ - 3 - 9 + 3 = -3, ठीक है, या फिर इसको आप 8.1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फोर्स है तो वो न्यूटन में होगी और अलोंग डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ओ ए होगी, ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। याद है ना ई का फॉर्मूला एक ही होता था, ई इज इक्वल टू में एफ बाई क्यू नॉट, याद आया याद, ठीक है, वहीं से तो फिर बनता था हमारे पास ये वाला फॉर्मूला 2KQ/r², क्योंकि देखो ई इज इक्वल टू में क्या होता था हमारे पास, एफ इज इक्वल टू में क्या होता था हमारे पास, के क्यू वन क्यू टू ओवर में आर स्क्वेयर। तो हम यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला रखते हैं के क्यू, क्यू वन हमारा मान लो क्यू हो गया और क्यू टू हमारा क्यू नॉट हो गया, दो चार्ज ऐसे ले लिए, तो क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर में आर स्क्वेयर और ये वाला क्यू नॉट, तो ये कैंसिल होता था, के क्यू बाई आर स्क्वेयर ई बचता था हमारे पास, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है इजिकल टू में एफ बाई क्यू नॉट, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है जी। तो उससे हमने यहाँ पर फोर्स निकाल दी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है जी, समझ में आया, सिंपल ही था क्वेश्चन तो, ठीक है। तो मेन है अपने थियोरेटिकल फंडे क्लियर करते चलो, न्यूमेरिकल आप करते जाओगे तो फिर सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी, क्लियर, ओके, थैंक यू।